नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। और आज जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक दिन उमा देवी जी के जिला अलीगढ़ से जिलाध्यक्ष जी का इंटरव्यू लूंगा और उनसे जानूंगा कि आखिरकार उमा देवी जी के आगे की क्या रणनीति है, कैसे वो शिक्षा मित्रों को लाभ दिलवाएंगी। तो उसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं आम शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन से प्रेमवीर सिंह, जिला अध्यक्ष अलीगढ़ से। इनसे जानेंगे, आज बीएससी कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं अपनी जिला की कुछ समस्याओं को लेके, और साथ के साथ 5 सितंबर को जो धरना लखनऊ में हो रहा है, होने वाला है, उसके बारे में आज अपडेट लेंगे, सारी जानकारी लेंगे कि आखिर क्या वहां पर हमारी मांगे रहेंगी, क्या उमा देवी जी ने किस उद्देश्य से धरना रखा है, सब जानकारी लेंगे आज जिला अध्यक्ष जी से। तो चलिए शुरू करते हैं, हम बात करते हैं जिला अध्यक्ष जी से। तो अध्यक्ष जी, वहाँ पर आज पहले आप अलीगढ़ का बताइए कि आज बीएससी कार्यालय पर आना आपका किस उद्देश्य से हुआ? आज हम अलीगढ़ बीएससी ऑफिस पे इसलिए आए थे क्योंकि बेसिक वाले शिक्षा मित्रों का अप्रैल माह से मानदेय नहीं मिला है। दूसरी बात, जो सातवें वेतन का एरियर है वो नहीं मिल पाया अभी तक किसी भी शिक्षा मित्र को, और प्लस 6 दिन का जो वेतन है हमारा वो भी नहीं मिल पाया। तो बीएस साहब को हमने ज्ञापन दिया है, अभी वार्ता भी करके आए हैं। तो बीएस साहब ने ये कहा है कि अति शीघ्र आपका ये भुगतान करा दिया जाएगा। अभी मैं बात करता हूँ, बजट है कि नहीं है, बजट यदि होगा तो 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका भुगतान करा देंगे। और कोई समस्या थी भैया साहब से जो आपने रखी उनके सामने? एक समस्या थी, एक महिला हैं वहाँ पे गोमत में, वो खैर ब्लॉक से, वो मूल विद्यालय गई नहीं अपने, और उनकी जगह कोई और भेज दिया गया, वो दोनों पद गिर गए। अब वो कहाँ जाएं, तो वो भी समस्या का निस्तारण, यानी मूल विद्यालय का भी समस्या समाधान नहीं हुआ है जिला अलीगढ़ में। अभी के मूल विद्यालय के लिए और भी कई शिक्षा मित्र जाने के लिए रह गए हैं और समायोजित अभी होने के लिए रह गए हैं, यही कहना चाह रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं ये अभी, तो इस संबंध में ही वार्ता की हमने, तो बी एस साहब ने कह दिया है कि ये निस्तारण 2-1 दिन में कर देंगे हम इसका। चलिए, ये थी जिले की समस्या जो मूल विद्यालय से लेकर और मानदेय को लेकर और सातवें वेतन आयोग के अनुसार जो 6 दिन का एरियर रह गया था उसको लेकर। अब बात करते हैं हम असली जो है शिक्षा मित्रों का धरना 5 सितंबर का होने जा रहा है, उसमें अलीगढ़ से भारी संख्या में शिक्षा मित्र लखनऊ पहुंचेंगे। तो हम देखते हैं, ये जानेंगे कि आखिरकार उमा देवी जी ने अभी पिछली तारीख 25 अगस्त को उन्होंने लखनऊ में बुलाया था और आज उसके बाद 5 सितंबर को बुला रही हैं, तो पिछली 25 अगस्त में जो धरना हुआ वो उस पर क्या प्रतिक्रिया सरकार ने दी या कोई परिणाम निकला उस धरने का? वो प्रतिक्रिया 25 तारीख की जो प्रतिक्रिया थी उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि लोग जो कहते थे कि मेरे साथ भीड़ है, मेरे साथ भीड़ है, हमने ये दिखाना चाहा कि भीड़ किसके साथ है। तो लगभग 40-45 हज़ार शिक्षा मित्र उस समय 25 तारीख में लखनऊ को गाड़े उमा देवी के धरने में थे, तो उन्हें ये पता चल गया सरकार को कि किसके साथ भीड़ है और किसके नहीं है, यही दिखाना था मुख्य उद्देश्य। तो ये इस धरने का उद्देश्य केवल जनशक्ति प्रदर्शन था, बाकी सरकार से कोई मांग रखी वहाँ, कोई ज्ञापन देने आया या लेने मांग दिया? ज्ञापन देने न कोई आया, न देने आया कोई, न लेने आया, और मीडिया तो इतना आया जिसका कोई जवाब नहीं है। बाकी सभी लोग आए और उन्होंने आश्वासन दिया भी कि आपकी समस्या का निस्तारण जल्दी से हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कितने दिन में, 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में 5 दिन में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर। देखिए, शिक्षा मित्र इस समय बहुत हताश है और बार बार लखनऊ आने में, कोई ऐसी बात नहीं है कि शिक्षा मित्र नहीं जाएगा, अपने हक की लड़ाई के लिए जाएगा, लेकिन 25 तारीख के बाद 5 सितंबर का जो धरना रखा है, अब ये भी केवल क्या जनशक्ति प्रदर्शन है या इसके बाद सरकार के खिलाफ कोई ठोस रणनीति उन्होंने बनाई है कि वो अपनी बात मनवाएंगी या क्या मांग रखेंगी? आखिर इस 5 सितंबर के धरने की क्या उद्देश्य है, क्या रणनीति है उनकी? ये 5 सितंबर का जो धरना है इसकी रणनीति बहुत अच्छी है, यदि सरकार बात नहीं मानेगी तो विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा और शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा, सारी बातें तय की जाएंगी उसमें 5 सितंबर को। तो यदि भीड़ ज़्यादा पहुँचती है तो सरकार को झुकना पड़ेगा। तो ये तय है, विधानसभा घेराव का प्रोग्राम तय है या उस समय तथा स्थिति निर्णय लिया जाएगा? उस स्थिति को देख करके, यदि स्थिति निर्गत की जाती है कि ऐसा नहीं होता है, हमारे जो हमारी मांगे हैं वो मान्य नहीं होती हैं, तो निश्चित रूप से ही घेराव किया जाएगा विधानसभा का। चलिए, हम बात करते हैं जिला संगठन मंत्री चित्रपाल शर्मा जी से और इनसे जानेंगे कि आप 25 तारीख को धरने पे गए थे। देखिए, हम 25 तारीख को बहन उमा देवी के धरना में लखनऊ इको गार्डन में पहुँचे
वहाँ सबसे पहली बात तो यह है कि लोग ये कहते थे कि भीड़ नहीं है, बहुत अच्छी भीड़ देखने के लिए मिली। और बहन उमा देवी इस समय एक सच्चा संघर्ष कर रही हैं, किसी भी जिलाध्यक्ष किसी भी शिक्षा मित्र से, वो चंदा के लिए हमने लाख प्रयास किया लेकिन उन्होंने हमसे साफ कह दिया कि मेरे भाई मैं किसी से एक रुपया नहीं लूँगी। और लोग एक अफवाह फैला रहे थे कि उमा देवी 25 तारीख की शाम को धरना को समाप्त कर देंगी, लेकिन हमारी इस विषय पर उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने ये कहा कि मेरी अंतिम सांस तक धरना चलेगा, जब तक शिक्षा मित्र की समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक मैं इस धरने को समाप्त नहीं करूंगी। और इसी प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 5 सितंबर को सभी शिक्षा मित्रों से ये अपील की है कि एक एक शिक्षा मित्र इस बार लखनऊ धरने में शामिल हो, और ईश्वर ने चाहा तो ऐसी उनकी मनोकामना देखते हुए सभी का समाधान होगा। तो मेरा साथियों और ख़ासकर अलीगढ़ के भाई बहनों से अनुरोध है कि 4 तारीख की शाम को जैसे जिसकी व्यवस्था बने वैसे जिलाध्यक्ष महोदय बस के लिए लिख के व्हाट्सएप पर सूचना देंगे कहाँ किसको आना है, उसका इंतज़ार करें। और मेरा कहना तो ये है कि तुम्हारी जैसे समस्या का समाधान हो सके, रेल से ट्रेन से जो भी जैसे जाना चाहे बस वो पहुँचे। अब की बार भाई शायद महसूस होता है ये लास्ट मेला है, तो सभी बहन भाइयों से ये अपील है कि 4 तारीख की शाम को लखनऊ के लिए प्रस्थान हर सूरत से कर। देखिए धरने तो बहुत हुए हैं शिक्षा मित्रों के, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला है। और धरने की वजह से कमेटी भी बैठी, 2 बार कमेटी की बैठक हो गई लेकिन कमेटी से भी कोई हल नहीं निकला। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र इस बात से हताश है कि हम भले ही कितनी भी शक्ति प्रदर्शन कर लें, जब तक हमारा मांग पत्र सही नहीं होगा, सरकार की सही इच्छा नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि 20 अगस्त की बैठक से भी शिक्षा मित्रों को कोई भी परिणाम निकल के नहीं आया। और उमा देवी जी की जहाँ तक 5 मांगें थीं लेकिन बैठक में कोई भी मांगों के बारे में जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ ये पता चला कि 9वीं अनुसूची के लिए ही उमा देवी ने कहा है। तो हमारे जाने का मतलब ये है कि जो मांगे हैं वो किस तरीके से उनके समय सरकार के सामने रखी जाए कि उनको मांग ना जाए, क्योंकि बैठक हो रही है लेकिन शिक्षा मित्रों की मांगों के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है। देखिए इसके लिए जब कैबिनेट की बैठक हुई तो वहाँ जो पहले संगठन थे गाजी मामाला और जितेंद्र शाही, उन्होंने अपनी बात कुछ और कही, गाजी जी ने कुछ और कही, लेकिन जब बहन उमा देवी को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने अपनी कुछ बात और कही। लेकिन इन सारी समस्याओं का समाधान अति शीघ्र होने वाला है और उमा देवी प्रयासरत हैं। अन्य संगठन उनके संगठन का जाने का विरोध करते हैं। कल साही जी ने कमेंट किया है और मेरी समस्या उन्हें ये कमेंट नहीं करना था, क्योंकि मरे हुए शिक्षा मित्र को जिंदा करने का काम किया है तो बहन उमा देवी ने किया है। तो इन्हीं सारी बातों को आगे बढ़ाते हुए सभी बहन भाइयों से ये अपील है कि भाई सभी लोग अब लखनऊ के लिए अपनी तैयारी करें, वहाँ सबका समाधान होगा। चलिए, यानी कि उनका कहना है कि जब तक समस्या का हल नहीं निकलेगा वो लखनऊ के मैदान पर डटी रहेंगी और मांग पत्र उनका वही रहेगा जो पहले था, बस सरकार के सामने वो जनशक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखाने के लिए कि शिक्षा मित्र आज भी संगठित है, एक जगह मौजूद है और इसी जनशक्ति के संग वो भविष्य में कोई भी बात सरकार से मनवाने के लिए तैयार हैं। तो इस 5 सितंबर को ऐतिहासिक दिन मनाने के लिए धरना किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि आखिरकार आम शिक्षा मित्र क्या चाह रहा है। आज की डेट में काफ़ी बातें निकल के आ रही हैं, शिक्षा मित्र चाहता है कि वेतनमान लगे, शिक्षा मित्र ये भी चाहता है कि उचित मानदेय दे के और 62 वर्ष के लिए सेवा हो जाए, या पुनः पूरी तरह से समायोजित होना मुश्किल लग रहा है सरकार में। तो इन मांगों में ही कोई ऐसी मांग होनी चाहिए ना जिस पर सरकार भी अमल कर सके और शिक्षा मित्र भी संतुष्ट हो सके। तो ऐसी कोई मांग निकल के आ रही है अभी तक, क्या ऐसी कोई संभावना लग रही है कि हम सरकार से जो बात कहेंगे वो मान ले? क्योंकि कमेटी के वेले में भी अब ये लग रहा है कि कमेटी भी अब हवाई होने जा रही है, एक कमेटी और बैठेगी कोई परिणाम नहीं निकलेगा और शिक्षा मित्र फिर से घर बैठ जाएंगे। हाई पावर कमेटी जो गठित हुई थी उस कमेटी ने शिक्षा मित्र को ये आश्वासित किया था कि हम तुम्हारी समस्या का समाधान, जैसे 12 महीने का मानदेय 62 वर्ष की आयु तक, तो इस पर उन्होंने चर्चा का विषय किया था जब कि तब बहन उमा देवी ने मुंडन कराया था, उस समय पर सरकार हिली थी और सरकार कुछ प्रेशर में आई। लेकिन शिक्षा मित्रों के बहुत सारे संगठन होने के कारण,
क्योंकि सरकार के दिमाग में ये विकल्प आया कि इन लोगों के संगठन कितने, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन वो दो संगठन अब इस समय पीछे हट चुके हैं। केवल बहन उमा देवी ने इस दामन को थामा है और मैं आश्वासित करना चाहता हूं कि बहन उमा देवी की मेहनत एक दिन साथियों हमेशा रंग लाएगी। तुम सभी एकजुट होकर के सभी संगठन वैर भाव को छोड़ करके इस बार भी पाँच तारीख को धरना एक दिन का ही है या कंटिन्यू चलता रहेगा? यदि हमारी मांग को मुख्यमंत्री के द्वारा या हाई पावर कमेटी के द्वारा कोई संदेश बढ़िया मिलता है तो धरना उसी दिन समाप्त हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में ये धरना अब हमारा 5 तारीख से कंटिन्यू लगेगा और विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। चलिए हम लास्ट जिला अध्यक्ष से एक बार और बात कर लेते हैं। मोबाइल छोड़ दे। तो जिला दीजिए, आप 5 तारीख को जो आप शिक्षा मित्रों को लेकर यहाँ से जाएंगे तो वो तब तक आप वापस नहीं आएंगे जब तक शिक्षा मित्रों को कुछ नहीं मिल जाता या आश्वासन कोई ठोस तरीके से सरकार नहीं दे देती है। कब तक आप वहाँ पर लखनऊ में धरने में शामिल रहेंगे? जब तक कोई लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता है। आश्वासन तो बहुत मिलते रहे हैं योगी जी से, मोदी जी से, सारी ये आश्वासन पे जी रहे हैं आज तक हम। तीन महीने हो गए धरने को, चौथा भी होने वाला है, लेकिन वहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कोई लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाएगा। चलिए, हम चाहते हैं आप जाए शिक्षा मित्रों को वहाँ लेके जाए और शिक्षा मित्रों की मांग जरूर सरकार माने, लेकिन आज का जो शिक्षा मित्र है वो काफ़ी चीज़ों को स्पष्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि पहले मांग पत्र बताया जाए कि आखिर मांग है क्या, क्योंकि मांग पत्र में कुछ और होता है, जब बैठक होती है तो उस संबंध में कोई बात ही नहीं होती है। तो ऐसी मांग हो, किस क्या वहाँ जाके क्या रणनीति है, क्या मांगें रखी जाएंगी, सरकार से क्या बातें की जाएंगी, वो सारी चीज़ें स्पष्ट करने के बाद शिक्षा मित्र लखनऊ चलने के लिए बिल्कुल तैयार होगा और उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना प्रदेश अध्यक्ष का भी काम है और जिलाध्यक्ष का भी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिले के सभी शिक्षा मित्रों को स्पष्ट तौर पर बताएंगे कि आखिरकार इस 5 तारीख के धरने का कितना महत्व है और क्या परिणाम इससे निकल के आ सकता है। 5 तारीख के धरने का मुख्य रूप से जो महत्व है, 1,24,000 अपग्रेड पैरा टीचर को सहायक अध्यापक के पद पर रखते हुए वेतनमान दिया जाना चाहिए और उत्तराखंड की तर्ज पर जो टेट पास हैं उनको सहायक अध्यापक और जो नॉन टेट हैं उनको 4 साल का समय दिया जाए टेट करने के लिए। चलिए, ये मांग तो उन्होंने बताई दी है। फिलहाल हम ये चाहते हैं कि अगली कमेटी जब भी होगी उसमें उमा देवी जी अपनी सशक्त मांगों को लेकर शिक्षा मित्रों के लिए कोई ना कोई परिणाम निकाल के लाएं। यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी आशा है। आज वार्ता यहीं ख़त्म करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिले से नहीं पूरे प्रदेश से हर जिले से शिक्षा मित्र एकत्र होकर लखनऊ पहुंचेंगे और उमा देवी जी का साथ देंगे, धरने में एकत्र होंगे और यही एक आखिरी उम्मीद रह गई है शायद शिक्षा मित्रों की। जैसा कि जिलाध्यक्ष जी बता रहे हैं कि उन्हीं से ही शिक्षा मित्रों को कुछ हल निकल सकता है। तो दोस्तों, आज यही था समाचार और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपका साथी गोपाल सिंह, नमस्कार।